हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट में आर्थिकी आ चुकी घटना चक्र वाली। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं ली है और आप यूपीपीसीएस देने जा रहे हैं तो भूल कर यूपीपीसीएस का एग्जाम ना देने जाए, क्योंकि इस आर्थिकी से ही लगभग लगभग 5 क्वेश्चन आपके केवल कुछ पॉइंट पढ़कर निकाले जा सकते हैं। वैसे तो इस आर्थिकी से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब लगभग 20 क्वेश्चन, 16 से 17 क्वेश्चन ही आपके 20 नंबर के लगभग हो जाते हैं। तो 20 नंबर सिर्फ ये आर्थिकी देके जाती है, और इसको कैसे पढ़ना है ये मैंने आज आपके सामने निचोड़ कर रखा है। इसकी 2 क्लासें होंगी, ये क्लास हो सकता है 3 क्लासें आपको दे दी जाए, तो इन तीनों क्लासों को आप सभी लोग देख लेंगे। इसमें भारत एवं विश्व की बात कही गई है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को, और इस क्लास का आप फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको कैसी क्लास लगी है। सबसे पहले आप सभी लोग इस बुक को जरूर ले लेंगे, बहुत सस्ती सी बुक है। घटना चक्र आप सभी लोगों के लिए इतना वर्क करती है। तो आइए बात करते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजों के बारे में यहाँ पर बात की जाएगी। यहाँ पर बात की गई है भारत महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम को, यहाँ पर बात की गई है प्रमुख योजनाओं की, यहाँ पर बात की जाएगी राष्ट्रीय आय की, यहाँ पर बात की जाएगी कृषि उत्पादन की, यहाँ पर उद्योग क्षेत्र की बात की जाएगी, यहाँ पर आपके परिवहन क्षेत्र की बात की जाएगी, ऊर्जा क्षेत्र की बात की जाएगी, वस्तु एवं सेवा कर से बात की जाएगी, जैसे पशुधन एवं मत्स्य पालन से 20वीं पशुधन गणना की रिपोर्ट दी जाएगी, भारत एवं वन स्थिति रिपोर्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप सभी लोग वो वीडियो जा करके देख सकते हो, ठीक है। खनिज उत्पादन से संबंधित, केंद्रीय बजट से संबंधित, आर्थिक समीक्षा से संबंधित, उत्तर प्रदेश बजट एवं आर्थिकीय समीक्षा से संबंधित, काफी यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो यहाँ से चुनिंदा बातें आपके बीच में रखी जाएंगी, और वहां से पूरा प्रयास किया जाएगा कि आपको हर एक चीज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेहतरीन जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बहुत ज्यादा बकवास ना करते हुए। तो आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम की। तो महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम है, आपने करंट में भी मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे आर्थिकी पढ़ने का मतलब कैसे होता है। आर्थिकी पढ़ने का मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, ये नहीं कि एक तरफ से बस पढ़ते चले गए सब कुछ आएगा, हो सकता है। और विश्वास रखिएगा, सबसे बड़ी बात होती कि आपको विश्वास रखना पड़ेगा सामने वाले के ऊपर कि हाँ जो बताया जा रहा वो आएगा, कहीं से आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। अब 1, 2, 4 क्वेश्चन की बात नहीं की जा सकती है। आइए बात करते हैं, जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2023 के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर वर्ष 2023-24 में क्रमशः अनुमानित है। 2023 चल रहा और 2023-24 के लिए अनुमानित की गई है, तो कितनी, तो 23 के लिए 6.4% और 2024 के लिए 6.7%। तो कैसे याद रखें, देखिएगा इसमें 2024 में 4 है लेकिन 2023 में क्या है, 3 है। तो जो आगे है उसको ये इसी में आपको रख देना है 6.4, और इसमें जो 7 है तो क्या करना है, जो 7-4 ऐसे बनता है तो उसको ऐसे मिला देना है, वो 7 बन जाएगा 24 में, ठीक है। बस पॉइंट में ही तो है, एक में 6.4 है, एक में 6.7 है। आपको GDP वृद्धि दर याद करनी पड़ेगी। कहा गया भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है, तो भारत ऊर्जा सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया ये इम्पोर्टेंट है, तो बंगलुरु कर्नाटक में किया गया है। कब, तो आप कहेंगे 6 से 8 फरवरी के मध्य किया गया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन भारत ऊर्जा सप्ताह कब कहाँ आयोजन किया गया ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, हो सकता नहीं है। अगला कहा गया है कि मध्य कहा गया 2023 के मध्य किस राज्य में वैश्विक निवेशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है, तो मध्य प्रदेश में किया गया है। कहाँ पर, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा। यह सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में संपन्न हुआ, तो इंदौर में। अब मध्य प्रदेश इंदौर में है तो जाहिर सी बात है इंदौर में, और सबसे स्वच्छ शहर के रूप में भी माना जाता है, तो इसको वैसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आप सभी लोगों के बीच में, केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का क्या नाम रखा गया, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नाम रखा गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, केंद्र सरकार की ये योजना है, ठीक है। आगे चलते हैं,
इस नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना में किन दो योजनाओं का विलय किया गया है, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। किन दो योजनाओं का विलय किया गया है, तो एक तो है आपकी अंत्योदय अन्न योजना तथा प्राथमिक घरेलू योजना। तो क्या होगा, प्राथमिक घरेलू योजना। तो आपका इन योजनाओं को जरूर याद रखना है, इन दो योजनाओं को मिलाया गया है, ठीक है। आइए अगला कहा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि वार्टन इंडिया इकोनॉमिक्स फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो मुंबई भारत में। इम्पोर्टेंट है इसकी जो थीम है ये और भी इम्पोर्टेंट है। कहा गया इंडिया लीडिंग इनोवेशन इन द इज ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। तो आपको ये जो थीम है इसकी, ये जो थीम है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो एग्जाम में लगभग 110% आने वाला क्वेश्चन है वो आपका ये है, सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है, केरल। केरल बहुत सी जगह या बहुत से ऐसे कार्य हैं जिसमें केरल नंबर वन पर रहता है, अक्सर नंबर वन पर ही रहता है केरल। चाहे आपकी शिक्षा से संबंधित बात हो, चाहे आपके मसालों से संबंधित बात हो, मसालों का बागवान भी केरल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो मसालों का बागवान केरल को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। कहा गया है आरबीआई ने किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना गया है। तो आपको किन बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक माना गया, इसमें बड़ी बड़ी बैंकें शामिल है इसलिए इम्पोर्टेंट। SBI, HDFC, आपका ICICI, ठीक है, ICICI बैंक है, इनको आपको याद रखना है। ये किसके अंतर्गत आती है, तो घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंकों के अंतर्गत आती है, जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में उठाकर लाए जाते हैं, जो लोग इग्नोर कर देते हैं, उनको लगता है कि ये प्रश्न आएगा ही नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट है, आगे देखा जाता है। अगला है, कहा गया है कि 2023 के मध्य 14वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया है। तो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2016 के बाद अब ये 14वीं हुई है, तो काफी समय बाद 2023 में इसका आयोजन हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो कहाँ पर हुआ है, तो नवी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ है। इसका जो विजन या विषय क्या है, तो विजन 2023 स्पाइसेज या स्थायित्व, उत्पादकता, नवाचार, सहयोग, उत्कृष्टता एवं सुरक्षा से संबंधित बात कही गई है। देखिएगा 13वीं वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 2016 में योजना कहां पर हुई, आयोजन कहां पर हुआ था, तो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाती है, आप अगर चाहेंगे तो स्पाइस का फुल फॉर्म भी याद कर सकते हो, ठीक है, पूछ सकता है स्पाइस का फुल फॉर्म। तो आपको सेफ्टी बाद में याद रखना है, ऐसे ठीक है ना, और सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्टिव आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है, आप जरूर उसको पढ़िएगा। अगला है, देखिए कहा गया हाल ही में आनुवांशिक इंजीनियरिंग मूल्यवान समिति द्वारा किस फसल की व्यावसायिक खेती को मंजूरी प्रदान की गई। तो आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों को, किसको, सरसों को। अब आगे कहा गया आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों के अतिरिक्त अन्य किस आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल की खेती करने की अनुमति है, तो BT कपास की है। पहले कौन थी, तो BT कपास, अभी वर्तमान में कौन सी बनी, तो आनुवांशिक सरसों, आनुवांशिक रूप से संशोधित सरसों को दिया गया, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपकी तिलहन से संबंधित है, ठीक है। आगे देख सकते हो आप, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने छोड़ रखा है। आइए आगे देखते हैं, कहा गया है कि भारत में 2023 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई, तो दावोस कहाँ है, आपका स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में है। तो आप इसको याद कर सकते हो कि विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो स्विट्जरलैंड दावोस में किया गया। इसका थीम क्या था, तो कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंट वर्ल्ड, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे ये पूछा जा सकता है। कहा गया 2023 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2023 नामक रिपोर्ट किसने जारी की, तो आपको ये याद ही रखना है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन कौन सी रिपोर्ट जारी करती है, तो आप कहेंगे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट
एंड सोशल आउटलुक टेंडर्स जो है 2023 किसने जारी किया, तो आप कहेंगे हो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। अब इम्प्लॉय की या एम्प्लॉयमेंट की बात है, जाहिर सी बात है उसमें क्या होगा, श्रम होगा, और जब श्रम है तो कहाँ पर है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ठीक है, याद रखेंगे, थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है जनवरी 2023 में वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड रिपोर्ट किस संस्थान द्वारा जारी की गई। इस तरह की रिपोर्ट आपके एग्जाम में कई बार देखी गई है, अक्सर यहां से प्रश्न उठाकर एग्जामिनर रख देता है, तो आप क्या बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा की गई है। किसके द्वारा, ILO द्वारा की गई है। ठीक है, अगला है भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम के 13वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया, तो वाशिंगटन DC। अब आप ये भी बता सकते हो कि वाशिंगटन DC में 13वें संस्करण का आयोजन किया गया, किसमें, भारत और अमेरिका व्यापार नीति फोरम के। ठीक है, अब आप ये भी बता सकते हो कि वाशिंगटन DC किस नदी के किनारे बसा हुआ एक शहर है, ठीक है, USA में, फटाफट बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कहा गया किस यूरोपीय देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में स्वीकृत किया है, तो क्रोएशिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो आपका यूरो है उसको अपनी मुद्रा के रूप में किसने स्वीकृत प्रदान की थी है, अभी जनवरी 2023 के बाद है, तो आप कहेंगे क्रोएशिया ने की है। ठीक है, और ये 20वां देश बन गया है, यूरो को 20वां देश ये बन चुका है। ठीक है ना, ये भी पूछा जा सकता है। क्रोएशिया यूरोप के किस वीजा मुक्त यात्रा क्षेत्र में शामिल हो गया है, तो शेंगेन में, थोड़ा सा बस पढ़ लीजिएगा, शेंगेन क्षेत्र में शामिल हो गया है। आइए आगे देखते हैं। आगे कहा गया है क्रोएशिया से पूर्व 2015 में किस देश ने यूरो को अपनाया था, तो आप कहेंगे लिथुआनिया ने। किसने, लिथुआनिया ने। तो 19वां देश कौन था, तो लिथुआनिया था। 20वां देश कौन सा बन गया, तो क्रोएशिया बन गया। आपको मिलान के लिए भी पूछ सकता है। अगला जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कहा गया विश्व बैंक समूह द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट जनवरी 2023 के अनुसार 2022 में विश्व की वास्तविक GDP दर 2.9% अनुमानित है, जबकि 2021 की, ये 2022 की है, 2021 की कितनी थी, तो 5.9 थी, अभी कितनी है, 2.9 है, तो 3% एकदम कम है, कितनी, 3%। देखिए कहा गया जनवरी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में वास्तविक GDP वृद्धि दर कितनी है, 2.9% अनुमानित की गई है, और जबकि 2021 में कितनी थी, तो 5.9 थी। थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अगला देखेंगे, कहा गया जनवरी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको लिख सकते हो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कहा गया जनवरी 2023 में जारी सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की वार्षिक रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 2023 के अनुसार विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड, तो विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा होगा, जल्दी से आप बताएंगे कि विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा होने वाला है, तो आप कहेंगे विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड आपका अमेज़न है। कौन सा, अमेज़न है। ठीक है, आगे कहा गया है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है, तो गूगल है भाई, गूगल बाबा आपके जो तुरंत उत्तर देते हैं। आगे आया ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 के रिपोर्ट के सबसे तेज वृद्धि करने वाला ब्रांड कौन सा बन गया है, तो आप कहेंगे वाइड बन गया है। कौन सा, वाइड बन गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीनों पॉइंट हैं, फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे भारत में। कहा गया ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो आप कहेंगे टाटा समूह है, विश्व में 69वां स्थान ब्रांड मूल्य पर है। लेकिन भारत का सबसे मजबूत ब्रांड कौन सा है या सर्वाधिक मूल्यवान ब्रांड कौन सा है, तो टाटा समूह है। कहा गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने देखिए ऑलरेडी लगा रखा है, प्रज्वला चैलेंज भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, तो आप कहेंगे ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। ठीक है, याद रखिएगा। प्रज्वला चैलेंज का उद्देश्य क्या है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों, समाधानों और कार्यों को आमंत्रित करना है। तो जो ग्रामीण है, तो कहा गया ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है प्रज्वला चैलेंज को, और इसका जो उद्देश्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने वाले विचारों का समाधान और कार्यों में आमंत्रित करना है। इम्पोर्टेंट है, देख लेंगे, मतलब याद कर लो। आगे आते हैं।
देखिएगा, कहा गया है सिटी फाइनेंस रैंकिंग 2022 और सिटी ब्यूटी कंपटीशन किस मंत्रालय की पहल है। तो देखिए सिटी फाइनेंस मतलब सिटी किस फाइनेंस रैंकिंग के स्थान पर है उसको कहा गया है, और सिटी ब्यूटी मतलब शहर कितनी सुंदरता पर है, ठीक है, कितना सुंदर है, तो कहा गया ये कौन किस मंत्रालय द्वारा आता है, तो आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है, पहल की गई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है आपका प्रतिष्ठित गृह, तो गृह जो है अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार किसने जीता है, तो आप कहेंगे भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मतलब आपका जो आधार कार्ड जिस कंपनी के द्वारा बनकर आता है उसी को UIDAI, कौन है, तो आप कहेंगे UIDAI, ठीक है, UDI मुख्यालय ने इसको क्या किया है, तो गृह अनुकरणीय प्रदर्शन पुरस्कार जीता है, इम्पोर्टेंट है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि UIDAI का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कहेंगे नई दिल्ली में, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। आगे कहा गया है कि जो गृह है तो गृह का पूरा नाम क्या है, तो ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, क्या होगा, असेसमेंट, इसको आप याद कर लेंगे इसका फुल फॉर्म, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो उसके आगे कहा गया देश का सबसे बड़ा व्यावसायिक जेट टर्मिनल किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ किया गया है, तो आप कहेंगे कोच्चि हवाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे में प्रारंभ किया गया है, ठीक है, आगे चलते हैं। कहा गया है कि केंद्र सरकार द्वारा B20 इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो एन चंद्रशेखरन टाटा संस के चेयरमैन B20 के क्या है, अध्यक्ष नियुक्त किए गए। B20 क्या है, तो कहा गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माताओं एवं कारोबारी समुदाय आदि के लिए G20 का आधिकारिक चर्चा मंच है, थोड़ा सा आप बना सकते हो अपने आप से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिया इन इक्वेलिटी रिपोर्ट 2022 डिजिटल डिवाइड किसने जारी किया, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि डिजिटल डिवाइड क्या है, डिजिटल डिवाइड किसने जारी किया है, तो आप कहेंगे ऑक्सफैम इंडिया द्वारा, किसके, ऑक्सफैम इंडिया द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। देखिएगा आप सोचेंगे आप मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं ये आएगा, हाँ आएगा, अगर प्रश्न बनाएंगे एग्जामिनर तो यहीं से बनाएंगे, ये सारे निचोड़ होते हैं, ठीक है ना। अगला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट के नवे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पणजी गोवा में। इतने समय आपका आयुर्वेद विश्व नवे विश्व आयुर्वेद कांग्रेस आरोग्य एक्सपो, जो आयुर्वेद है बहुत काम हो रहा है हमारे भारत में, इस एक्सपो की थीम क्या है, तो आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ से संबंधित ये बात कही गई। आगे देखते हैं आगे क्या है, तो कहा गया उत्कर्ष 2.0 का नाम रणनीति की रूपरेखा जारी की गई, ठीक है, उत्कर्ष 2.0, उत्कर्ष पहले भी एक आ चुकी थी, तो किसने ये, तो आपसे ये पूछ सकता है कि उत्कर्ष 2.0 किस से संबंधित है, तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संबंधित है, ये इसकी रणनीति कितनी है या रूपरेखा या रणनीतिक रूपरेखा किस अवधि के लिए है, तो 2023-25 तक के लिए, इतना ही आपके, ये पहले भी देखिएगा कहा गया है 19-22 तक के लिए आई थी, ठीक है, ये एक बार आ चुकी है, इसकी पहली बैठक कहा गया है, हाँ ये भाई देख लो कि 2022 के मध्य भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुख की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो बंगलुरु कर्नाटक में, कहाँ किया गया, बंगलुरु कर्नाटक में। आगे कहा गया भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते का हस्ताक्षर किया गया है, तो मालदीव के साथ, एक छोटू सा देश है, देखेंगे आप, मालदीव के साथ किया गया क्या अदला बदली, मुद्रा अदला बदली, ठीक है, हस्ताक्षर किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं भारत का पहला गोल्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत का पहला गोल्ड एटीएम तथा विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम का अनावरण कहाँ किया गया, तो हैदराबाद में। तो आज से केवल इतना भी पूछ सकता है कि भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर उसका अनावरण किया गया, तो हैदराबाद में भारत में किया गया है। और ये भी पूछ सकता है कि विश्व का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ पर अनावरण किया गया, वो भी हैदराबाद में ही किया गया है, ठीक है, क्या बताएंगे, हैदराबाद में ही किया गया। आगे देखते हैं जल्दी से ना,
आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, जब फटाफट आप सभी लोग बस रिवीजन करते चलिए। देखिएगा, कहा गया है CII वैश्विक आर्थिक नीति, इसका फुल फॉर्म है, शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में। तो CII का सम्मेलन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में, ठीक है। आगे कहा गया है इस सम्मेलन की थीम क्या है, तो इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर ए फ्यूचर रेडी इकोनॉमी है, ठीक है। इसको थोड़ा सा इकोनॉमिक से संबंधित है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। किस देश को पीछे छोड़कर भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है, ऑटो बाजार, तो जापान को छोड़ करके। चीन और अमेरिका पहले और दूसरे नंबर पर थे, चीन और जापान तीसरे पर था, तो अब चौथे पर चला गया। जापान हमारा कहाँ आ गया, अरे भारत हमारा कहाँ गया, तीसरे पर, और जापान खिसक गया चौथे नंबर पर। किस पर, ऑटो बाजार पर, ऑटो बाजार बन चुका है। अगला है, देखिए मैंने बता दिया चीन पहले नंबर पर, अमेरिका दूसरे नंबर पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे कहा गया है आपका, कहा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, देखिएगा लगा रखा है कि आपका वर्ष 2024 में विश्व व्यापार संगठन की 13वीं मंत्री स्तर बैठक कहाँ होगी, तो अबू धाबी। देखिए मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि जब भी संयुक्त अरब अमीरात या संयुक्त अरब अमीरात की बात आती है, तो जरूर आप अपने दिमाग में एक बार क्लिक जरूर करें, क्योंकि UPPCS अक्सर मतलब अबू धाबी या हो या संयुक्त अरब अमीरात हो, वहां से प्रश्न अक्सर बनाता है, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ से UAE से प्रश्न देने में ना, उसको बड़ा मन रहता है भाई, ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं, आगे आपका बहुत काम का नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि एक मिनट, यहाँ से है, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि अनुमानित वर्ष 2022 में उच्चतम प्रेषण प्रवाह प्राप्त करने वाले शीर्ष 5 राज्यों में भारत सबसे आगे है। तो अब बहुत से लोग प्रेषण ही नहीं जानते, प्रेषण का मतलब जैसे भारत के लोग बाहर कार्य कर रहे हैं और जो वो पैसा भेज रहे हैं भारत पर, उसी को प्रेषण कहते हैं, प्रेषण, ठीक है, प्रेषण प्रवाह। तो भारत क्रमशः है, फिर मेक्सिको, चीन। आपको ये नहीं याद करने, बहुत याद करना है, तो मेक्सिको तक आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कहा गया भारत कितना प्रेषण प्राप्त करेगा, तो 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर, अपने ही रिकॉर्ड को फिर से तोड़ दिया है। किसने, भारत ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। और मेक्सिको लगभग कितना, 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर किया, दूसरे नंबर पर है, ठीक है, याद रहेगा ना। आइए देखिए, अगर 2021 में 89.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और अभी बढ़कर 100 डॉलर हो गया। अगली रिपोर्ट है आपकी, कहा गया है विदेशी ऋण के आंकड़े 2022 के अनुसार भारत के वृह ऋण में या बृहत्तम ऋण में सर्वाधिक ऋण अमेरिकी डॉलर में दिए गए, किसमें, अमेरिकी डॉलर में, 55.5%। और दूसरा, इसको आपको रट जाना है पूरा का पूरा, किसको, पूरा का पूरा, पहला ऋण सबसे ज्यादा मैंने अमेरिकी डॉलर पर लिया, और दूसरा ऋण फिर मैंने भारतीय रुपए पर लिया, और तीसरा ऋण मैंने SDR के रूप में लिया, और फिर चौथा एन के रूप में, और फिर यूरो के रूप में। यूरो का 20वां, यूरो मुद्रा को अपमाने वाला मतलब अपनाने वाला 20वां राज्य, 20वां देश कौन सा बना है वो आप बताएंगे, और 19वां कौन सा था। देखिएगा वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था, कौन सी रिपोर्ट पढ़ाई थी, वहां पर मैंने आपको वैश्विक ग्लोबल 500 रिपोर्ट पढ़ाई थी। यहाँ पर है कि हुरून ग्लोबल 500 सूची 2000, दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन है, एप्पल है, वहां कौन थी, तो आप कहेंगे अमेज़न थी। कंफ्यूजन नहीं रखना है, क्या दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको एक भी, अगर दिमाग में आपके कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। वहां पर मैंने पढ़ाया था आप सभी लोगों को, देखिएगा आप सभी लोगों को मैंने वहां पर पढ़ाया था कि सर्वाधिक मूल्यवान एवं मजबूत वैश्विक ब्रांडों की फाइनेंस ग्लोबल 500, और यहाँ पर हुरून ग्लोबल 500 में एप्पल है, और भारत की कौन सी है, तो दूसरे और तीसरे चौथे स्थान पर कौन है, तो माइक्रोसॉफ्ट है, अल्फाबेट है, और अमेजॉन कहाँ पर, चौथे नंबर पर आती है यहाँ पर। और सूची में शामिल भारतीय कंपनी तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, और वहां पर कौन था, तो टाटा समूह था, कौन था, टाटा समूह था, याद रखिएगा, इसमें अंतर पूछ सकता है ना, टाटा समूह था। देखिए कहा गया प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ
पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा का पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो कोलकाता पश्चिम बंगाल में। देखिएगा यहाँ से अक्सर रिपोर्ट बन जाती है कि प्रमुख शहरों में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे कोलकाता पश्चिम बंगाल में। सर्वश्रेष्ठ पर्यटक अनुकूल रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो सिकंदराबाद तेलंगाना में। और ये हवाई अड्डा है, ये आपका रेलवे स्टेशन है। अगला कहा गया सर्वश्रेष्ठ विरासत शहर का पुरस्कार किसे दिया गया, तो अहमदाबाद गुजरात को। किसको दिया गया, अहमदाबाद गुजरात को, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। आगे बढ़ते हैं, कहा गया ग्लोबल मीडिया कांग्रेस आयोजित की गई कहाँ पर, अबू धाबी में, यूएई के अबू धाबी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई, बार बार कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं यूएई जरूर पूछा जाएगा, जहां भी दिखे तुरंत चेप लो, ठीक है ना। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, अगला आपका इम्पोर्टेंट ये है कि वर्ष 2020-21 के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रदर्शन श्रेणी सूचकांक जारी किया गया, तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय। देखिए आपसे पूछ सकता है कि प्रदर्शन श्रेणी किससे संबंधित है, तो शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है। किससे संबंधित है, शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है, ठीक है। ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछ सकते, इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन कहाँ किया, तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि नवाबों की नगरी लखनऊ में आपका एक्सपो, इंडिया फूड एक्सपो का उद्घाटन किया गया। जैसे वाराणसी में बहुत से ऐसे उद्घाटन है जो किए गए, उनको आप याद रखेंगे। भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ आयोजित किया गया, तो डल झील श्रीनगर में। कहाँ पर, डल झील, हमारी सबसे खूबसूरत झील कौन सी है, डल झील है, ठीक है। कश्मीर का गहना कहा जाता है डल झील को। शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा। ये इम्पोर्टेंट है कि भारत का पहला पानी पर तैरता वित्तीय साक्षरता शिविर कहाँ पर आयोजित किया गया, तो डल झील श्रीनगर में, ठीक है, अच्छी बात। पर किसके द्वारा किया गया, तो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के द्वारा किया गया, याद रखेंगे आप जरूर से जरूर, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। आपको बहुत देखने की इच्छुक है तो आप मेरे नंबर पर 9889506523 पर आप कमेंट कर देंगे या मैसेज कर देंगे, तो आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कागज शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो शिकायत निवारण सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन है, तो आप कहेंगे आपका UIDAI है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है, ठीक है। शिकायत निवारण सूचकांक में बहुत ही जल्दी करता है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप कहेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, नई दिल्ली में है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा, मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, भारत। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश कौन सा है, भारत। खा करके इतनी नुकसानदेह चीनी है कि आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि चीनी की जगह गुड़ का प्रयोग करें, ठीक है। तो कौन है, भारत। विश्व का सबसे बड़ा चीनी उपभोक्ता देश कौन है, भारत। सबसे ज्यादा उत्पादन भी हम ही करते हैं और उपभोक्ता भी हम ही है। सबसे ज्यादा चीनी उत्पादन में भारत, उपभोक्ता में भारत, और निर्यात में दूसरे नंबर पर। जब हमारे खाने के बाद बचेगा तभी ना हम बेचेंगे बाहर, तो दूसरे नंबर पर, ठीक है, याद रखिएगा। कहा गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब भी भारत में कुछ पहला होता है, उत्तर प्रदेश में कुछ पहला होगा, विश्व में भारत से संबंधित कुछ पहला होगा, तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। कहा गया भारत की पहली निजी कृषि मंडी कहाँ आयोजित की, निजी कृषि मतलब आपने, जैसे होता ना प्राइवेट, तो प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कृषि मंडी, तो आप कहेंगे पहली निजी क्षेत्र मंडी डिडोरी नासिक जिला में, महाराष्ट्र में। तो डिडोरी कहाँ पर है, तो अब आपको पता हो गया। आपसे ये भी पूछ सकता है कि डिडोरी मिलान करने के लिए क्षेत्र कभी कभी दे देता, तो डिडोरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, ठीक है, नासिक जिला में। अगला है कि आपका ISO 27 इकाई 27001 प्रमाणन पत्र प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप किसने शुरू करवाया, तो आप कहेंगे इक्वा कनेक्ट, ठीक है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका ये है कि ISO 27001 प्रमाणन
प्राप्त करने वाला पहला भारतीय मत्स्य पालन स्टार्टअप कौन है? तो आप कहेंगे इक्वा कनेक्ट। इक्वा कनेक्ट है। अब इक्वा कनेक्ट के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो राज मनोहर सोम सुंदरम है। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, हो सकता है ऊपर वाला ना पूछे लेकिन ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। कहा गया है वर्ष 2022 के लिए एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में किन भारतीय व्यवसायी महिलाओं के स्थान को स्थान दिया गया? तो आपकी गजल अलंग जी है, आप बताएंगे ये किससे संबंधित है। शोभा मंडल जी है, आप बताएंगे ये किससे संबंधित है। और आपकी नमिता थापर जी है, कौन है? नमिता थापर जी है, आप बताइएगा ये किससे संबंधित है। ये क्या है? एशिया की पावर बिजनेस वुमेन सूची में भारतीय व्यवसायी महिलाओं को स्थान दिया गया है। तो कौन कौन है? तो आप कहेंगे गजल अलंग जी है, शोभा मंडल जी है, नमिता थापर जी है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कौन नहीं शामिल है, तीन है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा कि तीन महिलाएं हैं तो अब चौथी आपसे पूछा जा सकता है कौन नहीं है। विश्व बैंक समूह द्वारा घोषित ग्लोबल सील क्लाइमेट फाइनेंस एक संयुक्त पहल है किसकी? तो आप कहेंगे V20, तो V20 की है। किसकी है? V20 तथा G7 देशों की है, मतलब V20 और G7 देशों की है। तो V20 आप देख लेंगे, V20 है, ठीक है। आगे कहा गया, आगे आइए देखते हैं। कहा गया हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई, तो हरियाली बढ़ाने तथा सूक्ष्म वन के सृजन हेतु राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में, राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में किसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में। तो राष्ट्रीय एकता के रूप में अवसर पर हरित आयकर पहल की शुरुआत की गई है, तो किसके द्वारा? आयकर विभाग द्वारा। तो हरित का फुल फॉर्म क्या है? आयकर विभाग द्वारा शुरू की गई, कब? 31 अक्टूबर को। कभी कभी पता है कुछ योजनाएं ऐसी होती हैं जो डेट से इम्पोर्टेंट होती हैं। विश्व एकता दिवस के रूप में पहल की गई है किसमें? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय एकता दिवस, मतलब राष्ट्रीय एकता दिवस। तो अब हरित का फुल फॉर्म आप देख लेंगे, हरियाली अचीवमेंट रिसोर्सेस रिसोल्यूशन बाय इनकम टैक्स, इसका फुल फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली है, तो आप कहेंगे कहाँ उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भाई महाराष्ट्र में। भारत का पहला प्रवासन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में। अगला कहा गया आपका कि आवासन एवं शहरी मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार द्वारा इंडिया अर्बन हाउसिंग कनेक्ट बिल का आयोजन कहाँ किया? राजकोट गुजरात में। इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्वेल का उद्देश्य क्या है? तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है ना, आपके पास, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया भविष्य 9.0 है, तो इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल है, क्या है? अब आपसे पूछ सकता है कि भविष्य 9.0 किससे संबंधित है? तो इंटीग्रेटेड पेंशनर्स पोर्टल से संबंधित। भविष्य 9.0 पोर्टल का विकास किया गया है तो भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? भारतीय स्टेट बैंक के सहयोग से। देश का पहला पेंशन संवितरण बैंक बना है, तो भारतीय स्टेट बैंक बना है। कौन बना है? भारतीय स्टेट बैंक। ये स्टेटमेंट से ही पूछे जा सकते हैं प्रश्न, ठीक है ना। अगला है कि हर स्टार्ट प्लेटफॉर्म एक पहल है किसकी? गुजरात यूनिवर्सिटी स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप काउंसलिंग। तो इनका जो फुल फॉर्म है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये किससे संबंधित? महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए। देश में पंजीकृत भौगोलिक संकेतिक GI से GI टैग की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 432 हो गई भारत में, ठीक है, देश में। भौगोलिक संकेतिक या GI टैग की अधिकतम संख्या कहाँ पर, किस स्थान पर है? तो पहले नंबर पर कर्नाटक है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और तीसरे नंबर पर अपना UP है। क्या है? अपना UP है GI टैग में, ठीक है, याद रखिएगा, अपना UP है। जो अभी गमोशा को GI टैग दिया गया, कहाँ का? असम का। गमोशा क्या है? एक तौलिया है, ठीक है, ये क्या है? एक तौलिया है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे आती है आपकी प्रमुख योजनाएं किससे संबंधित है, देखते हैं प्रमुख योजनाएं, ठीक है, क्या होगा प्रमुख योजनाएं? तो प्रमुख योजनाएं क्या है?
स्टैंड अप इंडिया योजना, तो महिलाओं और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और उन्हें विनिर्माण, सेवा या व्यापार के क्षेत्र में बढ़ावा या गतिविधियां देने के लिए किया गया। इस योजना का विस्तार 2025 तक दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट है मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना, मैंने ऑलरेडी यूपी में पढ़ाया है, यूपी स्पेशल उत्तर प्रदेश द्वारा नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। मिशन लाइफ, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, तो गुजरात में केवड़िया के एकता नगर, कहां पर, एकता नगर में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटारेस की उपस्थिति में यह मिशन लॉन्च किया गया है, ठीक है। महासचिव कौन थे, तो एंटोनियो गुटारेस की उपस्थिति में। पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण से संबंधित है यह मिशन, कौन सा मिशन, मिशन लाइफ, किससे संबंधित, पर्यावरण एवं संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है, वो योजना इंपॉर्टेंट। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल या पीएम डिवाइन, ये तो आपको 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग के शेष 4 वर्षों के इस नई योजना को मंजूरी दी गई है। तो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री का विकास पहल क्या है, तो पीएम डिवाइन है। तो पीएम डिवाइन किससे संबंधित, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए संबंधित है। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया या पीएम श्री किससे संबंधित है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को लॉन्च किया गया, इसलिए देश भर के 14,500 स्कूलों का विकास एवं उन्नयन किया जाएगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आदि से मतलब आदिवासी जनजाति, तो जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा जनजाति लोगों के एकीकृत सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है 2026 तक। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आप सभी लोगों को पता है कि ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश से शुरू की गई थी 2019 थी, और ये बहुत पुरानी योजनाएं हैं, तो आप इन्हें पढ़ सकते हैं, हम सब नहीं पढ़ाएंगे, एक दिन और मैंने ये सारी योजना पढ़ाई है। पीएम प्रधानमंत्री जीवन योजना भी मैंने पढ़ा रखी है आप सभी लोगों को ऑलरेडी। उसके बाद प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, आप देखेंगे जो मैंने टिक किया, इनको आपको देखना ही देखना है। जल जीवन मिशन, इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइपलाइन जल आपूर्ति या हर घर जल सुनिश्चित करना है, ठीक है। चलिएगा, एक एक नहीं पढ़ाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अटल भाषांतर योजना कब शुरू की गई, तो 2018 में निर्वाचन मंडल 2018 में मैंने टिक कर रखा है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या ना, सारी इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कब शुरू की गई, 26 मई 2017 से ये लागू है, ठीक है, प्रारंभ 2017 में हुआ था, तो इसको देख लेंगे, ठीक है। कहा गया इसमें इतने करोड़ आवंटित किए गए हैं। राष्ट्रीय पोषण मिशन, 1 दिसंबर 2017 से ये लागू है, आप इनको देखेंगे जरूर, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए, हमारा नहीं, ठीक है ना, मैं बता दे रही हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, बस देखिएगा। गंगा ग्राम परियोजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आगे देखते चलिएगा, आगे छोटा करते हैं तो सब एक साथ आ जाएगा, देखिएगा। दीनदयाल स्पर्श योजना आपके, सौभाग्य योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, साथी पहल योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये सब लगभग 2017 वाली ही है, ठीक है। देखिए आगे कहा गया है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको देखेंगे। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सारी 2000। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2015, मेक इन इंडिया 2014 की सबसे पुरानी योजना लगभग मानी जाती है। उसके बाद है दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, तो आप इसको देखेंगे। स्मार्ट सिटी मिशन योजना 2015 की, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आगे चलते हैं। स्टैंड अप इंडिया आपके 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा के पानीपत से शुरू किया गया था, ठीक है। अगला है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं, ये जितनी भी योजना है मैंने ऑलरेडी टिक कर रखा है, तो आप इनको, दीनदयाल अंत्योदय योजना वही बात हो गई। कहा गया है ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट 2016 में, प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन कब हुआ, तो 2015 से शुरू।
प्रधानमंत्री जन धन योजना 2014 की है, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना 2015 की है, स्वच्छ भारत मिशन 2014 का है, आगे बढ़ते हैं बस खत्म। ठीक है, अब आता है आपका ये सेशन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के, ठीक है, 2022-23 से। तो हम यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ाने वाले, मतलब पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि कुछ पढ़ाएंगे ना। ठीक है, पहले वो चीजें आप पढ़ लो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्या पढ़ लो? जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो लगता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा वो। आइए, कहा गया कृषि उत्पादन भारत एवं विश्व में। तो सबसे पहले हम लोग कृषि के बारे में बात करते हैं एक एक करके। पहले आपको वो देखना है जहां पर उत्तर प्रदेश नंबर एक पर है। तो चावल पर कौन है? अरे, जो उत्तर प्रदेश नंबर दो पर है। चावल पर कौन है? तो चावल पर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। गेहूं पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, याद कर लो एकदम, ठीक है। बाजरा पर उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है। और कुल मोटे अनाजों पर, कुल मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज के लिए बहुत वर्क हो रहा है भारत में, तो इसको याद कर लो, कर्नाटक पहले नंबर पर है। तुर या रहर की दाल में उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है, महाराष्ट्र और कर्नाटक पहले और दूसरे नंबर पर है। चना पर कोई स्थान नहीं है उत्तर प्रदेश का, तो नहीं आपको याद करना है। कुल दालों पर नहीं याद करना है। कुल खाद्यान्न पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिएगा, कहा गया गन्ना पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। कहाँ पर है? पहले नंबर पर है। तो ये आपको रट लेने, इतने तो आपको रट ही लेना है ना, एकदम बिल्कुल कंठस्थ होकर। आगे बढ़ते हैं, कहा गया आलू पर उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है, प्याज पर महाराष्ट्र पहले नंबर पर इम्पोर्टेंट है, नारियल केरल पहले नंबर पर है, आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। आपके लिए देखिए खोज कर पहले से मैंने रखा, कुल सब्जी उत्पादन में पश्चिम बंगाल पहले नंबर पर है और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, ठीक है। और देखिए कुल फल उत्पादन के या टन में तो उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर है। किस नंबर पर है? तीसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए, मसाले में सबसे आगे कौन है? मध्य प्रदेश है। फिर उसके बाद देखेंगे सुपारी, सुपारी में सबसे आगे कौन है? कर्नाटक है। कोकोवा में या कोकोवा में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ये देखिए, कुछ खरीफ की फसल है, कुछ तिलहन, खाद्यान्न में खरीफ होता है, रबी होता है, ठीक है ना। तो इनकी कुछ दालें दी गई हैं, इनके क्या है उत्पादन टन, ये आपके लिए बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं, ये सब नहीं पूछेगा। आइए, ये पूछता है तो आपके लिए, हाँ, यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए तो गेहूं में क्या है? गेहूं में पहले नंबर पर, चावल में उत्तर प्रदेश। अब ये क्या है? तो आप फसल क्षेत्र में शीर्ष राज्य हैं, ठीक है, शीर्ष राज्य हेक्टेयर में पूछे गए, इनको नहीं याद करना है, जो पीछे बताए वही याद करना है। फसल उत्पादन में देखिए कहा गया धान में पंजाब है और गेहूं में पंजाब है, तो दोनों जगह कौन है? तो पंजाब ही सटा बैठा है। कौन है? पंजाब है। किस पे? उच्चतम उत्पादन में। किस में? उच्चतम उत्पादन में। और कहा गया यहाँ खपत, उर्वरक खपत में कौन सबसे नंबर वन पर है? तो पुदुचेरी है और पंजाब हरियाणा दूसरे और तीसरे नंबर पर है। लेकिन उर्वरक खपत में कौन है? तो उर्वरक खपत 1000 टन में, ये किलोग्राम हेक्टेयर में था, और ये आपका किसमें था? ये उत्तम उत्पादन, इनको याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर यहाँ पर है, ठीक है। तो इसको इस तरह याद कर सकते हो। हाँ, यहाँ वाली पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चावल में भारत दूसरे नंबर पर है, गेहूं में भारत दूसरे नंबर पर है, दलहन में भारत पहले नंबर पर है, देखिए अलग अलग मैंने कलर भी किया है, गन्ना में भारत दूसरे नंबर पर है, जूट में भारत पहले नंबर पर है, आलू में भारत पहले दूसरे नंबर पर है, ठीक है, टमाटर में भारत दूसरे नंबर पर है, केरल में भारत पहले नंबर, केला में, मसाले में भारत पहले नंबर पर है, चाय में भारत दूसरे नंबर पर है, तंबाकू में भारत दूसरे नंबर पर है, चीन के बाद दूसरे नंबर पर, कुल दूध में भारत पहले नंबर पर है। किसमें? कुल दूध में भारत पहले नंबर पर है। आगे देखते हैं, तो इनको फिर से एक बार रिवाइज करिए। चावल में दूसरे नंबर पर है, गेहूं में दूसरे नंबर पर है, दलहन में पहले नंबर पर है, किसमें? पहले नंबर पर है। और उसके बाद कहा गया है आपका सोयाबीन, इतना नहीं पूछता है, पांचवें नंबर तक, ठीक है, नहीं याद करिएगा। गन्ना में दूसरे नंबर पर, केवल गन्ना याद, क्योंकि गन्ना में पहले नंबर पर ब्राजील है। कौन है? ब्राजील। अक्सर हर जगह नहीं तो चीन पहले नंबर पर और भारत दूसरे नंबर पर। जूट में भारत ही पहले नंबर पर है,
ठीक है, आलू में चीन देखिए पहले और भारत दूसरे, टमाटर में चीन पहले और भारत दूसरे नंबर पर, केला में पहले नंबर पर भारत है, मसाले में भारत है, फिर आपका इथोपिया है, ठीक है इथोपिया वो वाला, और फिर चाय में भारत दूसरे नंबर पर है। चाय में चीन और चाय के साथ जो व्यापार एकीकरण समाप्त हुआ था 1833 के अधिनियम के द्वारा, ठीक है, तो चाय में चीन पहले नंबर पर, भारत दूसरे नंबर, तंबाकू में भारत दूसरे नंबर पर है, कुल दूध उत्पादन में भारत पहले नंबर पर। इनको आप इतना याद कर लो, आपका काम हो जाने वाला है। ठीक है, अब आगे मैंने नहीं पढ़ा था, अब आगे मैं आगे जब पढ़ूंगी तो आगे मैं आपको बताऊंगी। मैंने पढ़ा था थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो सही से नहीं पढ़ पाए थे ना, टाइम थोड़ा सा, हाँ तो क्षेत्र बताएंगे, लेकिन उसके लिए आगे पढ़कर आएंगे तब। तो आज की क्लास यहीं तक है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको क्लास आज की। आज की क्लास से लगभग 2 से 3 प्रश्न यहीं से पूछ लिए जाएंगे, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। इसी तरह आप क्लास को लाड प्यार दुलार देते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।